मैं कर लेता हूँ। रौनक स्टेज बावकार मुकद्दस उलमाए इस्लाम सामईन बज़्म मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला नबीहि अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يعلم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदीये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत अंजुमन फैजान मदीना करीमुद्दीन पूर घुसी के बावकार मुकद्दस नौजवानों ने फैजान हुजूर सदरुश शरिया लिए हुए बारगाह गौसे आजम में खिराज अकीदत पेश करने के लिए सजाने रचाने बसाने का काम किया है। आज के इस अजीमुशान जलसे की सदारत उस्ताज़ुल उलमा जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा निसार आज़मी साहब क़िबला क़ायदे जलसा हज़रत अल्लामा इश्तियाक साहब क़िबला उनके अलावा मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और ये वो इल्मी अदबी जगह है जहाँ पर एक सिर्फ आलिम नहीं बल्कि यहाँ पर शख्सियतें पैदा की जाती हैं। बहुत अच्छी निजामत हजरत मौलाना राशिद रज़ा अमजदी साहब क़िबला की हो रही है। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी अच्छी नाते हैं। हमारी जमात के अजीम नात खां हजरत मौलाना अहमदुल फत्ताह साहब क़िबला और उनके अलावा दीगर शोराए किराम से आप मुस्तफीज हुए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। और पै करे खुलूस वफा मेरे करम फरमा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हज़रत क़ारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला, उनके हवाले से एक शेर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुम खान भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे इमाम ने कहा उन्हें जाना,
उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाही लहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा और आपका ताल्लुक जिस मजहब से है वो दुनिया का आफाकी मजहब है, वाहिद मजहब है जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक लोगों को कामयाब जिंदगी का फार्मूला अता किया। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है कि वो किसी का मोहताज नहीं मगर सारी दुनिया उसका मोहताज है। लोग इस्लाम की मुखालफत में शराबी जुआरी और जानी तो बन सकते हैं लेकिन जो इस्लाम के दामने करम में सिद्क दिल से आ जाए उसे जन्नती बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्हें इस्लाम विरासत में मिला और एक वो जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस्लाम को हासिल किया। जिन्होंने मेहनत से इस्लाम को हासिल किया उन्होंने बिलाले हबशी की शक्ल में कहा, बनी उमैया जान तो दे सकते हैं मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। लेकिन आज हम जिस दौरे फितन में जी रहे हैं हमें इस्लाम बाई च्वाइस नहीं बल्कि हमें तो इस्लाम विरासत में मिला। बाप दादा मुसलमान थे, खानदान मुसलमान था, हम जहां पे पैदा हुए वो मुसलमानों का घराना था। इस्लाम के दामन में हम पैदा हुए इसलिए जैसे एक शख्स जिसे जमीनों जायदाद विरासत में मिल जाए तो उसकी अहमियत भूल जाता है। कभी जमीन बेचता है, कभी दुकान बेचता है, कभी मकान बेचता है, लेकिन जो शख्स मेहनत से जमीन और जायदाद हासिल करता है फिर वो बेचने की बात नहीं करता, उसकी हिफाजत की बात करता है। ऐसे ही जिन लोगों को आज इस्लाम विरासत में मिला आज वो इस्लाम पे चलने की फिक्र नहीं करते। वो समझते हैं हम चाहे जैसी जिंदगी जिए, हम चाहे जिस तरीके के माहौल में जिए, हम चाहे इस्लाम पे चले न चले, हमें कौन बोलने वाला है, हमें कौन रोकने वाला है, किस मौलवी मौलाना की हिम्मत है जो हमें रोक देगा, किस मुफ्ती की हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोल देगा, जो बोलेगा उसे सोशल मीडिया पे ट्रॉल किया जाएगा, जो बोलेगा उसे प्रिंट मीडिया में उसके खिलाफ जहरअफशानी की जाएगी, जो बोला है बोलेगा फेसबुक के गुंडे साहब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। इसलिए आपको बोलने से रोका जाएगा। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग इस्लाम को सिर्फ विरासत समझते हैं, बाप दादा मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हैं, हमारे बाप ने कभी कलमा पढ़ा था इसलिए हम भी पढ़ते हैं, हमारी माँ मुसलमान थी इसलिए हम मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी में कभी सजदे की चमक नहीं होती, उनकी जिंदगी में कुरान की बरकतें नहीं होती, उनकी जिंदगी में इस्लाम की बरकतें नहीं होती। लेकिन जो लोग इस्लाम को विरासत की शक्ल में नहीं बल्कि इस्लाम को मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई अमानत की शक्ल में समझते हैं, आजान होती है तो पेशानी को रब की बारगाह में झुका देते हैं, सुबह को कुरान की तिलावत से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, माँ बाप की कदर और इज्जत करते हैं, साहब नमाज रोजे की पाबंदी करते हैं, आलिमों की कदर करते हैं। जब कुछ नहीं जानते तो कुरान ने कहा, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। तो अपने उलमा की बारगाह में जाते हैं, उनसे पूछते हैं। मीडिया वालों ने बहुत ट्रॉल किया, कहा मुसलमानों में इंजीनियर की कमी नहीं है, मुसलमानों में डॉक्टर की कमी नहीं है, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% मुसलमानों के बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, मगर ये 99% 1% के पीछे क्यों चलते हैं, क्यों हर मामला मौलवी साहब से पूछते हैं, क्यों हर मामला हाफिज साहब से पूछते हैं, क्यों हर मामला मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मैंने कहा अकल के अंधो तुझे पता नहीं है,
साइंस दा बनना और है, तारीख दा बनना और है, ज्योग्राफी दा बनना और है, लेकिन तूने कुरान को समझा नहीं है, तुमने कुरान को सही से जाना नहीं है। ये 99% लोग अगरचे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, मुल्क के राष्ट्रपति बन जाए, चाहे किसी अजीम ओहदे पर चले जाए, लेकिन इस्लाम में सबसे बड़े ओहदे वाला वही होता है जिसके सीने में कुरान की तालीम होती है, जिसके सीने में कुरान की तालीम होती है। इसलिए कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब का नाम कुरान है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताइए, आपने देखा होगा नर्सरी के लिए अलग किताबें हैं, मैट्रिक के लिए अलग किताबें हैं, इंटर के लिए अलग किताबें हैं, बीए के लिए अलग किताबें हैं। जो डॉक्टर पढ़ता है इंजीनियर नहीं पढ़ता, जो इंजीनियर पढ़ता है प्रोफेसर नहीं पढ़ता, जो प्रोफेसर पढ़ता है वो साइंटिस्ट नहीं पढ़ते। सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग किताबें हैं। ऐसा नहीं होता किताब एक ही हो, नर्सरी का बच्चा भी पढ़े, इंटर का बच्चा भी पढ़े, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़े, किताब एक ही हो, डॉक्टर भी पढ़े, इंजीनियर भी पढ़े, प्रोफेसर भी पढ़े। मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई किताब हो तो लाओ, सदरे जलसा हजरत अल्लामा निसार आज़मी ने कहा, सुल्तान नज़ाहा, दुनिया में एक किताब है जिसका नाम कुरान है। नर्सरी के बच्चे को देखो कुरान पढ़ रहा है, साहब मैट्रिक के बच्चे को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंटर के बच्चे को देखो कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि जिंदगी में बरकतें हो जाए। साइंटिस्ट तो आप कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा हम कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रिसर्च का दरवाजा जिस किताब ने खोलने का काम किया वो कुरान है। कुरान ने कहा खोले का मिमाइन ताफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है, यखरुजु बैन सुल्बे व तराई, ये वो पानी है जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से निकलता है और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। मौलाना यही कुरान की आयत है जिसके जरिया मेडिकल साइंस ने तरक्की किया और आज सीम कार्ड के जरिया जानवर बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ये और बात है, आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की किया, अब ये हलाल है या हराम मैं उसके जानिब तवज्जो करना नहीं चाहता, लेकिन याद रखिएगा आज मेडिकल साइंस जो तरक्की किया कुरान की इसी आयत की वजह से आज मेडिकल साइंस उरूज पर है। मैंने देखा साहब घर में एक औरत है, सुबह को उठकर कुरान पढ़ रही है, बीबी आप कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा इसलिए कुरान पढ़ रही हो ताकि मेरे घर में कुरान की बरकत हो जाए। देखा मुफ्ती साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, हुजूर आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ कुरान पढ़ूंगा तो इससे लोगों को मसाइल बताऊंगा। देखा हाफिज साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि रमजान में मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी सुनाऊंगा। मैंने देखा साहब एक जाहिल आदमी वो भी कुरान लेकर खड़ा है, कभी कुरान सुन रहा है, कभी कुरान देख रहा है, कभी कुरान पलट रहा है। मैंने कहा ए साहिबो किताब तो एक ही है मगर नर्सरी का बच्चा अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, मैट्रिक का बच्चा अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, उलमा अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। वही समाज का एक अनपढ़ गवार जाहिल भी कुरान लेकर खड़ा है और कहता है मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, ये वाहिद किताब है कुरान जिसे पढ़ना भी इंसान नहीं जानता, सिर्फ देख ले मोहब्बत से तो कामयाब हो जाता है, सिर्फ प्यार से सुन ले तो कामयाब हो जाता है। मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब जिंदों के लिए है, ये एक किताब है कि अगर जिंदा पढ़ते तो मुर्दों को कब्र में जन्नत की हवाएं नसीब हो जाती है। साहब किताब एक है जो मुर्दों को भी फायदा दे रहा है और जिंदों को भी फायदा दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अब सारी दुनिया की किताबें पढ़ने वाले मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, जो कुरान पढ़ा होगा मसला उसी से पूछा जाएगा, जो कुरान पढ़ा होगा दिन की बातें उसी से पूछी जाएगी, जो कुरान पढ़ा होगा माँ बाप का अदब एहतराम उसी से पूछा जाएगा। यही वजह है कुरान से पूछा गया, अरे कुरान तू बता मुस्तफा जाने रहमत के इस खाके गीती पर आने का मकसद क्या है। कुरान ने कहा यो अल्लेमुल किताब वल हिक्मा, ये कुरान ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब सिखलाए, ताकि तुझे हिक्मत सिखलाए। अल्लाह अल्लाह आओ मुस्तफा जाने रहमत ने क्या ऐलान किया। आमिना के नाल ने हर कलमा पढ़ने वाले से यही कहा, तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो, मुसलमान बन चुके हो, पहला काम यह है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े, मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े। जिसने सबके तालीम की बात की वो इस्लाम है, जिसने तालीम को फर्ज करार दिया वो इस्लाम है। या रसूल अल्लाह कब से पढ़े, कोई कहता है 3 साल बाद, कोई कहता है 7 साल बाद। या रसूल अल्लाह आप बताए एक इंसान कब पढ़ने के लायक होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब जरा सीने पे हाथ रख कर के सोचो, जिस नबी ने गोद से पढ़ने की बात की हो वो नबी तालीम के लिए किस कदर लोगों को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। यही वजह है कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो तालीम याफ्ता होगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आओ आओ, जब नबी ने तालीम की बात की, आका करीम ने जब तालीम की बात की तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम पढ़ना चाहते हैं। अब साहब आका पढ़ा रहे हैं, सुफा जैसा चबूतरा मौजूद है, मस्जिद नबी शरीफ के बाहर है, पढ़ने के लिए हबश के बिलाल भी है, फारस के सलमान भी है, अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक भी है, उस्माने गनी भी है, मौला अली भी है, अबी हुरैरा भी है, सब पढ़ने के लिए आ गए। मगर पढ़े तो क्या पढ़े, अभी तो पूरा कुरान भी नाजिल नहीं हुआ है, पढ़े तो क्या पढ़े, बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी और इब्ने माजा का वजूद भी नहीं है। आखिर तालीम हो तो क्या, कोई सिलेबस मौजूद है, कोई निसाब मौजूद है, तालीम क्या हो? साहब ये उलमाए कराम कहेंगे सुल्तान रजा सहाबा जो पढ़ने आए थे उनके पढ़ने के लिए किताब भी मुस्तफा थे और उनवान भी मुस्तफा थे, सिलेबस भी मुस्तफा थे, उनकी जिंदगी के महवर भी मुस्तफा थे। तुझे पता नहीं है, सहाबा कहते हैं हम आका को देखते, अगर आका जो फरमाते उसे लिख लेते हमारी तालीम मुकम्मल हो जाती, और आका जो करते उसे हम लिख लेते, आका ने जो किया है वही हमें भी करना है, आका ने जो कहा है वही हमें भी करना है। अब साहब 23 साल वही का नुज़ूल होता रहा। आमिना के लाल सुफा जैसे चबूतरे पे सहाबे कराम को तालीम देते रहे। अब ये सहाबा कभी कुरान की आयतें लिख रहे हैं, कभी आका का फरमान लिख रहे हैं, कभी आका का किरदार लिख रहे हैं, कि लेकिन क्या लिखने के लिए कलम मौजूद है? ये दुनिया के मुसलमानों की पहली दरसगाह है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में छत नहीं है, सामियाना नहीं है, दीवारें नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जनाबे अबी हुरैरा से पूछा गया, कहते हैं महीनों हम भूखे रहते, जब कोई दावत देता आका करीम को तो हम भी उनके साथ खा लेते, कोई तोहफा लाता तो आका हमें भी खिला देते, लेकिन जब हमें प्यास लगती आका को देख लेते तो प्यास बुझ जाती थी, जब हमें भूख लगती आका करीम की सोहबत में बैठते भूख का एहसास खत्म हो जाता था। साहेबों जरा सा सीने पे हाथ रख कर सोचो, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास आज हमारे पास क्या नहीं है, आज हमारे मदरसे आधुनिक है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में अब किस चीज की कमी है? साहब बेहतरीन ठंडी के लिए भी इंतजाम, गर्मी के लिए भी इंतजाम, बेहतरीन बिल्डिंगें, बेहतरीन खाना, बेहतरीन माहौल,
माहौल, अच्छे असातिज़ा, सारी चीजें मौजूद है आज मदरसों में, फिर भी कोई कहे मौलाना हम खाने की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, हमने साहब कपड़ा न मिला इसलिए तालीम को खैर बात कह दिया, मौलाना साहब हम मदरसा छोड़ करके चले आए। याद रखिएगा ये उज्र, मैं तो कहता हूँ सिर्फ गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, तुमने गौसे आजम की करामतों को याद रखा है, मगर गौसे आजम जो महीनों भूखे रहकर और दरिया में पानी पीकर और दरिया किनारे साग और हरी घास को खाकर जो उन्होंने तालीम हासिल की, क्या तुम सरकार गौसे आजम के इस किरदार को भुला दोगे? क्या सिर्फ यही याद रहेगा कि गौस ने मुर्गे को जिंदा किया है? क्या यही याद रहेगा गौस ने सिर्फ मुर्दे को जिंदा किया है? क्या सिर्फ यही याद रखोगे गौस को मुर्गे पसंद थे? गौस को तो ये भी पसंद था खाना मिले न मिले, मगर मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई तालीम जरूर। गौस को तो ये भी पसंद था, आप ये भी तो पसंद करें। अब जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे, सहाबा के पास लिखने के लिए कलम नहीं है, कापी नहीं है, कोई पत्थर लेकर आया है, कोई खजूर की छाल लेकर आया है, कोई खजूर की टहनी लेकर आया है, सहाबे कराम चमड़ा लेकर के आए हैं, साहब ईंट के टुकड़ों से बैठकर आका फरमाते जाते ये लिखते जाते, लेकिन तअज्जुब तो आज है, आज हमारे पास कुरान भी है, आज हमारे पास बुखारी भी है, आज हमारे पास तिर्मिजी भी है, आज हमारे पास नेसई भी है, आज हमारे पास इब्ने माजा भी है, आज हमारे पास सियाउन नबी भी है, आज हमारे पास सीरत की किताबों में सीरत मुस्तफा भी है, सारी चीजें हमारे पास किताब की शक्ल में मौजूद है, लेकिन आज तक हम कुरान की तालीम जमाने को क्या पहुंचाएंगे? आज तो हम अपनी बीवी को भी सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम तो अपने बच्चों को भी सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम तो अपने बेटे और बेटियों को दीन नहीं सिखा पाते, हम अपनी औलादों तक नबी की तालीम नहीं पहुंचा पाते, हम जमाने में क्या पहुंचाएंगे? मगर कितनी मुबारक जात थी ओ जिन्होंने पत्थरों पे लिखकर खजूर की छालों पे लिखकर कसम खुदा की पूरा कुरान नबी से लिया और हम तक पहुंचा दिया है, आका की पूरी जिंदगी और जीवनी को हम तक पहुंचा दिया है। याद रखना सारी दुनिया मिलकर मौला अली के इल्म के दरवाजे तक नहीं पहुंच। तो अब आप जरा सा सोचे साहेबों, आज हमने क्या किया, हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं? आज हम मुसलमान जरूर हैं, आज हमारा किरदार और करेक्टर इस्लामी नहीं है, आज हमारे पास कुरान है मगर हम तो उसकी तालीम को अपनी बीवी बच्चों तक नहीं पहुंचाते, समाज में क्या पहुंचाएंगे? यही वजह है आज हर माँ अपनी औलाद से परेशान है, हर बाप अपने बेटे से परेशान है, आज साहब भाई भाई से परेशान है, आज पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। इस्लाम के साहबजादों याद रखना, सिर्फ नारे हमें याद है लेकिन हमें ये भी याद करना होगा जो भूखे रहकर प्यासे रहकर हम तक मुकम्मल इस्लाम पहुंचा गए, हम उनके एहसान को फरामोश नहीं कर सकते, हम उनकी जिंदगी और उनके कारनामे को फरामोश नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में लोग सबसे ज्यादा इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस्लाम पर हमला आवर है, इसलिए उन्होंने इस्लाम को सही से समझा नहीं है, इस्लाम को सही से जाना नहीं है। आओ मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है लेकिन हमने इस्लाम के साथ जो सलूक किया, कभी आप कभी उसे सीने पे हाथ रख करके सोचेंगे तो पता चलेगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी में सबसे कठिन दिन कौन सा था, कठिन रात कौन सी थी? मुझे लगता है ये उहुद से ज्यादा कोई मुश्किल दिन नहीं आया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा मुश्किल दिन उहुद का दिन नहीं था, मुश्किल दिन तो वो दिन था जब ताइफ के बाजार में मैं इस्लाम तबलीग करने के लिए गया था, कुफारे मक्का मेरे जिस्म पे पत्थर बरसा रहे थे, उबास किस्म के नौजवान मुझे पत्थर मारते, इतने पत्थर मारे मेरा जिस्म लहू लोहान हो गया, मैं जब बैठ
बैठ जाता तो वो मेरे बाजू पकड़ कर उठा देते, फिर पत्थर मारते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, पत्थर खाकर भी मुस्तफा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कुफारे मक्का ने और ताइफ के कुफारों ने बहुत जुल्म किया है, ये पहाड़ का फरिश्ता मौजूद है, आप इजाजत दे तो पहाड़ को इनके ऊपर पलट दिया जाए। सुनो, पत्थर खाने वाले मुस्तफा, पत्थर के जख्म को बर्दाश्त करने वाले मुस्तफा, जख्मों से चूर चूर होने वाले मुस्तफा जाने रहमत ने दर्श दिया, दर्श दिया, जमाने को दर्श वफा दिया। सिदरा के मकीन, बात सच्ची है, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जिन पे आप पहाड़ पलटने की बातें कर रहे हैं, एक दिन आएगा इन्हीं की नस्लें, इन्हीं की औलादे इसी जमीन पर सिर्फ मेरा नाम लेने वाली होंगी, अल्लाह और उसके रसूल के नाम का नारा लगाने वाली होंगी। आज जमाना भारत नहीं, पूरी दुनिया की सोशल मीडिया कहती है पत्थर चलाने वाले मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ, तुमने पत्थर चलाने वालों को देखा है मगर पत्थर खाने वाले मुस्तफा को नहीं देखा है, तुमने सिर्फ पत्थर चलाने वालों को देखा है। साहब, जुल्म को बर्दाश्त न करके पत्थर चलाना ये किसी मजलूम का किरदार हो सकता है, लेकिन पत्थर खाकर दुआएं देना और इस्लाह और हिदायत की दुआएं करना ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार है, ये आमना के लाल का किरदार है। इसलिए हमें देखने वालों सिर्फ उन्हें न देखो, देखना है तो कुरान ने कहा لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, ऐ लोगो नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अगर इस्लाम के लिए आईना किसी को देखना हो तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अब साहब, जाहिर सी बात है, मुकम्मल कुरान 23 साल में आका करीम के ऊपर नाजिल होता है। अब कुरान में है क्या? जब मुकम्मल कुरान आप उठाकर पढ़ेंगे, अंबिया का जिक्र है, औलिया का जिक्र है, साहबा का जिक्र है, वालिदैन की अजमत का जिक्र है, शराब की हुरमत का जिक्र है, जना की हुरमत का जिक्र है, जुबे की हुरमत का जिक्र है। आओ जरा आमिना के लाल की जिंदगी को देखते हैं, आमिना के लाल के किरदार को देखते है। मेराज की शब है, आमिना के लाल है, मेराज में तशरीफ ले जाते हैं। इसे सीरत मुस्तफा में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी ने भी नकल किया है, लिखते हैं, आका करीम जब मेराज की शब तशरीफ ले गए, अक्सा में जब आका की सवारी पहुंची है, हजरत आदम पहले से मौजूद है, हजरत इब्राहिम पहले से मौजूद है, सारे अंबिया और मुरसलीन मौजूद है, मगर जो ही आका करीम की सवारी पहुंची है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबके सब मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। साहिबों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साहब ये कौन है जिसकी ताजीम में सब खड़े हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम की तुर्बत से आवाज आएगी, ऐ लोगों, आने वाला इमाम बनकर आया है, जो खड़े हैं ये मुक्तदी बनकर के खाओ के हाफिज साहब है, ये मेरा भतीजा और बेटा लगता है। पूछो हजरत आदम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा रिश्ता था, पूछो हजरत इब्राहिम से, एक बार भी हजरत आदम ने नहीं कहा मुस्तफा जाने रहमत तो मेरे साहबजादे हैं, एक बाप बेटे की ताजिम के लिए क्यों खड़ा होगा? मगर हजरत आदम खड़े हैं, जमाने को दर्स दे रहे हैं लोगों, आज आदम खड़ा है इसलिए कि मेरा शहजादा इमाम बनकर के आया है, मुस्तफा जाने रहमत इमाम बनकर आए हैं, इसलिए आज की सजीम शान बज़्मे मोहब्बत से ये पैगाम लेकर जाए। आप चाय की होटलों में बैठे है, आप अपने घरों के दरवाजे पर बैठे हैं, आपके इमाम का गुजर आपके सामने से हो, मेरे दोस्त उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाना। याद रखना साहब, जिस नबी की ताजीम के लिए सारे अंबिया और मुरसलीन खड़े हैं, आओ जरा उसी नबी की सीरत को मुलाहिजा करो, आओ जरा उसी नबी की जिंदगी को देखो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, साहब एक
इर्द बैठे हुए हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होती है। जो ही आका करीम की नजर उन पर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपने कंधे से चादर मुबारक को उतारते हैं और जमीन पर बिछाते हैं। ए मेरी अम्मी जान, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, मगर ये कौन पाकीज़ा खातून है, ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताज़ीम मेरा पैगंबर कर रहा है, मेरा रसूल कर रहा है। आका करीम फरमाते हैं, अरे मेरे सहाबा, तुम्हें पता नहीं तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के शहजादों, तुम तो जलसे में आए हो, नारे भी याद है, नाते भी बहुत मोहब्बत से सुनते हो, बताओ ईमानदारी से, रबीउल नूर शरीफ में जुलूस भी मोहब्बत से निकालते हो, बहुत प्यार से निकालते हो, लेकिन क्या नबी का ये किरदार भी याद है, नबी का ये करेक्टर भी याद है? क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की इज्जत के लिए खड़े होते हो? मेरी बात का बुरा न मानना, आज के नौजवानों की हालत ये है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, बाप नीचे बैठा है, बेटा चारपाई पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा साहब एयरपोर्ट से निकलता है, बाप ट्राली पे खींचता हुआ नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा गांव का प्रधान अमीर बन गया तो बेटा चैम्बर में बैठा है, बाप चपरासी की शक्ल में दरवाजे पर खड़ा है। जब समाज इतना बिगड़ जाए, माहौल इतना बिगड़ जाए, ऐसे बिगड़े हुए माहौल को संवारने के लिए फिर से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के चिराग को जलाने की जरूरत है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने घरों को जाना, तेरा बाप नीचे बैठा हो, तेरा बाप कहीं पे मिल जाए। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर माँ और बाप में रुतबा किसका बड़ा है? आला हजरत ने लिखा, याद रखना, आला हजरत ने लिखा, 100 रुपए कमाओ, 75 माँ को देना, 25 बाप को देना। मोहब्बत माँ से ज्यादा करना, इज्जत बाप की ज्यादा करना, याद रखना। ऐ इस्लाम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना है कि तुम घर में जाओगे, बगल में तेरी बीवी बैठी हो, तेरे बच्चे बैठे हो, तुम बैठे हो, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए, तेरा बूढ़ा बाप तेरे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना, तुम भी खड़ी हो जाओ, मेरी माँ आ गई है। बच्चों से कहना, तुम भी खड़े हो जाओ, मेरी माँ आ गई है। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे, बता कल तक तो माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज माँ की इतनी इज्जत क्यों कर रहा है, आज बाप इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? कहना, पगली कल तक नहीं जानते थे, आज मैंने जलसे में जान लिया है। हम और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो नबी तो मस्जिद नबी शरीफ में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना भी सिखाया है। जब मैं नंगे बदन दुनिया में आया, तो सबसे पहले मेरे जिस्म को जिसने आंचल ओढ़ाया वो मेरी माँ है, जिसने मुझे खाना खिलाया वो मेरी माँ है, जिसने मुझे पानी पिलाया वो मेरी माँ है, जिसने चलने का सलीका सिखलाया वो मेरी माँ है, और जिसने पूरी जिंदगी की कमाई कभी दूध के लिए, कभी स्कूल फी के लिए, कभी ट्यूशन सेंटर के फी के लिए, कभी किराए के लिए, कभी हमारी बिजनेस के लिए, कभी हमारी तरक्की के लिए, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई हमारी मोहब्बत में खर्च कर दी वो मेरा बाप है। इसलिए ऐ मेरी शरीक हयात मुस्तफा जाने रहमत तो मस्जिद नबवी में माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, क्या मैं उनका गुलाम अपने घर में माँ के लिए खड़ा नहीं हो सकता, घर में अपने बाप के लिए खड़ा नहीं हो सकता? इसलिए इस्लाम के शहजादों, सारी दुनिया की ताज़ीम बाद में करना, सबसे पहले घर जाना, तो अपनी माँ की ताज़ीम करना और अपने बाप की ताज़ीम।
ये हमारी जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आज हम कहते हैं मौलाना हमारी जिंदगी में कामयाबी नहीं है, आज हमारी जिंदगी में कामरानी नहीं है, जिंदगी में कामयाबी कहाँ से मिलेगी, हमने तो माँ बाप को ठुकरा दिया है। आपने सुना नहीं, आला हजरत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ जब तक बदलने के लायक नहीं हो जाए, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पता हो कि वहाँ के मजाविद चादरों को गरीबों में बेच करके पैसा खर्च कर देते हैं, फिर तो तुम्हें चादर चढ़ाने में हर्ज नहीं है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आला हजरत ने तो एक चादर की बात की, मगर आज एक उर्स में तुम 1,00,000 चादरें चढ़ाते हो। चादर की कंपनियां खुल गई है, चादर के बिजनेस का बाजार गर्म है। साहब, जो साल में कभी माँ को कपड़ा नहीं देता, 50 बुजुर्गों की तुलपत पे चादरें चढ़ाता है। जो साल में कभी बाप के लिए कपड़ा नहीं खरीदता, वो मजार मजार चादरें चढ़ाते फिरता है। फिर आकर कहता है, अल्लामा इश्तियाक साहब किबला, कछौछा शरीफ गया था काम नहीं बना, हुजूर सदरुश शरिया की तुर्बत पे गया था काम नहीं बना, हजरत आला हजरत के मजार पर गया था काम नहीं बना। अरे बेवकूफ, माँ बाप को नाराज करके तू मक्का मदीना भी चला जाएगा, कसम से तेरा काम नहीं बनेगा। हुजूर सदरुश शरिया ने इस्लामी अखलाक व आदाब में लिखा कि अगर माँ बाप बच्चे को खत लिखे, बेटा मुझे तेरी जरूरत है, परदेश से आ जा, तो बेटे का खत का जवाब देना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे आना ही पड़ेगा। लेकिन बुरा ना मानिएगा, हम लोग तो नारा वाले हैं ना, नारा हमें बहुत याद है, किरदारे कम याद है। हम भूल गए हैं हमारे बुजुर्गों ने क्या फरमाया है, हम भूल गए हैं हुजूर सदरुश शरिया ने क्या फरमाया है, हम भूल गए हैं हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या नसीहतें की है, हमारा क्या मामला है। माँ बीमार है, बेटा पूछने को तैयार नहीं है, बाप बीमार है, बेटा आने को तैयार नहीं है। बुरा ना मानना, वही माँ बाप जिन्हें जिंदगी में कभी ईद में भी कपड़ा नहीं देता, कभी शादी ब्याह के मौके से भी कपड़ा माँ बाप को नहीं देता, वही बेटा जब माँ का इंतकाल हो जाए तो सऊदीया से प्लेन का टिकट कटा कर आता है, कहता है अभी लाशे को रोक कर रखना, जब तक मैं ना आ जाऊँ दफन न करना। आने के बाद गरीब भाई जो पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करता रहा, उससे कहता है सुनो इनकी कफन देना, जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं मगर कीमती कफन देना, रायमंड कंपनी का देना, पैसा ना हो तो मेरा पैसा ले लो। साहब गरीब भाई कहता नहीं नहीं, मैं जब माँ बाप को खाना खिला सकता हूँ, इलाज करा सकता हूँ, तो अपनी माँ को कफन भी दे सकता हूँ। ये शख्स जानते ही है कि ये जानता है कि गरीब है, कीमती कफन खरीद कर नहीं लाएगा, हंगामा करता है, मौलाना साहब क्या मैं बेटा नहीं हूँ, क्या ये मेरी माँ नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहता है, किसने कहा तू उस माँ का बेटा नहीं है, किसने कहा तू उस बाप का बेटा नहीं है। आज जो तू मरने के बाद कह रहा है क्या मैं बेटा नहीं हूँ, मेरा पैसा कफन में नहीं लगना चाहिए, बेटा तो तू आज भी है, और बेटा तो उस वक्त भी था जब तेरी माँ अस्पताल में दवा की दो घोंट के लिए तरस रही थी, बेटा तो तू उस वक्त भी था जब तेरा बाप पैसे के बगैर एम्स में इलाज नहीं करा पा रहा था। पता अच्छा तो ये था, जो मरने के बाद तुम कहते हो क्या मैं बेटा नहीं, तेरा बाप और तेरी माँ जब अस्पताल में थे उस वक्त विदेश से आता और कहता मेरे गरीब भाई फिक्र न कर, मैं भी इसी बाप का बेटा हूँ, जितना पैसा लगेगा बाप के इलाज में खर्च करूंगा, जितना पैसा लगेगा माँ के इलाज में खर्च करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग माँ बाप के मरने के बाद जितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अगर आधी मोहब्बत माँ बाप से जिंदगी में कर ले तो औलादों को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आधी मोहब्बत, सिर्फ आधी मोहब्बत कर लेना, आधी मोहब्बत, मगर करता कौन है साहब, कौन करता है,
आज तो शादी हुई, कल बीवी बच्चों को लेकर माँ बाप को छोड़कर विदेश में जाकर आबाद हो गए, दिल्ली मुंबई में जाकर के आबाद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ बाप को छोड़कर तुझे बहुत सुकून मिलता है? बहुत साहब साहब, तेरे दिल को बहुत खुशी होती है? इस्लाम की शहजादियों, मेरी आवाज अगर तुझ तक पहुँचे या मेरी गुफ्तगू पहुँच जाए तो याद रखना, अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है कि हम माँ बाप को छोड़कर तुझे लेकर मुंबई दिल्ली में आबाद होना चाहते हैं, कहना ओ जालिम, माँ बाप को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे। पूछेगा क्यों छोड़ दे? कहा जो बेटा माँ बाप का नहीं हो सकता वो जिंदगी में बीवी और बच्चों का भी नहीं हो सकता। जो माँ बाप को छोड़ सकता है वो जिंदगी में कब किस मोड़ पर बीवी बच्चों को छोड़ दे, इस बात की क्या गारंटी है? इस्लाम के शहजादों, हम बावफा नहीं हो सके तो बेवफा भी बनने की जरूरत नहीं है। कैसे आपने माँ बाप को भुला दिया? आज हमारी जिंदगी की हालत क्या है? आज हमारी पोजीशन क्या है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आज हमारी जिंदगी की हालत यही है कि साहिबों, हमने आज माँ बाप को ठुकरा दिया है, माँ बाप को मोहताज बना दिया है। साल भर बेटा कमाता है, कभी माँ बाप को खर्चा भी नहीं भेजता। ईद का जब मौसम आता है, रमजान का महीना आता है, बूढ़ी माँ फोन करती है, बेटा बेटे साल भर तूने कुछ नहीं भेजा, रमजान का महीना है, तेरे बाप बीमार है, दवाइयाँ भी लेनी है, रमजान में इफ्तार और सहरी का इंतजाम भी करना है, ईद के लिए नए कपड़े भी बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, जरा उससे भी कुछ पैसा भेजना है, बेटा कुछ पैसा भेज दे। तो आज की औलादे कहती है आज की औलादे कहती है, माँ अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न तेरे लिए भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझसे न पूछो, इन उलमाए किराम से पूछ लो कि मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? नबी फरमाते हैं, मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ और उसके बाप का है, दूसरा हक उसकी बीवी और बच्चों का है। तुमने कभी माँ बाप को नहीं पूछा, लेकिन बीवी को कभी तूने जुदा भी नहीं किया, तुमने बीवी को कभी तकलीफें भी नहीं पहुँचाई। याद रखना, आज तुमने अपने माँ बाप को बीवियों का मोहताज बना दिया है। तेरे बाप को चंद पैसे की जरूरत है और चाय की होटल में चाय पीने की जरूरत है, तो तू कहता है मेरी बीवी से पैसे मांग लेना। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, कमाना तो सबसे पहले अपने माँ बाप पे खर्च करना, उनकी दुआएं लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। लेकिन आज लोग पीरों के पीछे तो बहुत पैसे खर्च करते हैं। मैं कहता हूँ खर्च कीजिए, लेकिन माँ को भूल करके नहीं, बाप को भूल करके नहीं। यही वजह है ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन अपनी माँ की बहुत ताजीम करते थे, अपनी माँ की बेपनाह इज्जत करते थे। आलम ये था ताजीम का, आलम ये था माँ की इज्जत का, कि जब मुअज्जिन आजान देता तो सबसे पहले वुजू करके माँ के पास जाते, जा करके माँ से अर्ज करते, अम्मी जान, आप मुझसे राजी हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरी तो दुआ है हर माँ को तुझ जैसी औलाद नसीब हो। अम्मी जान अगर राजी हैं तो इजाजत दीजिए, मैं मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए जाऊँ। अल्लाह अल्लाह, क्या हसीन माँ थी। माँ भी कहती, बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है तो माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे और तू जा करके मस्जिद में नमाज पढ़ करके आ जा। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है, माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछाते और खुद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाते। ऐ इस्लाम के शहजादों, तुम क्या समझते हो? आज आपने देखा होगा, औलादे डॉक्टर है मगर कामयाब नहीं है, औलादे इंजीनियर है मगर कामयाब नहीं है, औलादे प्रोफेसर है मगर कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, इंजीनियर बन गए मगर माँ को ठुकरा दिया। आज का बेटा कहता, मौलाना साहब नहीं पता सबसे पटरी जमती है, बस थोड़ी सी माँ से मैं इलादा हूँ, थोड़ा बाप से मैं अलग हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुमने क्या समझा है? जरा गौर से सुनना फिर फैसला करना। हम तो मजार शरीफ पर चादरें बहुत चढ़ाते हैं, ऐ गरीब नमाज की तुरपत पे जाने वालों, शौक से जाओ, जाओ तो फूलों की चादरें सरों पर लेकर के जाओ, और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें अपनी जिंदगी में ओढ़ करके आओ, ताकि जमाना तेरे किरदार को देखे तो कहे गुलाम इतने अच्छे हैं तो आका कितना अच्छा होगा। जब गुलामों का ये आलम है तो आका
की आका की मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब माँ से दुआएं लेकर मस्जिद को निकल पड़ते, उनके दोस्तों ने कलाई पकड़ ली, कहा ए गियासुद्दीन हसन जरा इतना तो बताओ कि तुम मस्जिद जाने से पहले अपने माँ की पापनी माँ के पास क्यों जाते हो। कहा ए मेरे साथियों, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आमिना के लाल ने फरमाया है जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी कभी राजी नहीं होते। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है उस दिन से जब आजान होती है तो खुदा की बारगाह में जाने से पहले मैं माँ की बारगाह में चला जाता हूँ। ए मेरी माँ, अगर तू राजी हो गई फिर मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा तो तोता राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा तो सारे खुदा वाले राजी हो जाएंगे। ये उनकी जिंदगी का मिशन था जो माँ बाप को राजी करने में लगे थे। आज हमारी जिंदगी का मिशन क्या है? बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बन गए? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है, एक रात की खिदमत ने मुझे माँ मुझे वली कामिल बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, कोई उस्ताद की खिदमत करके वली बन गया, कोई माँ से दुआएं लेकर वली बन गया, लेकिन आओ जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो आज के नौजवानों के पास क्या है। आज हमारे पास मेरी कौम के नौजवानों, न तुम्हारे पास माँ की खिदमत है, न तुम्हारे पास असातजा का अदब है, न तुम्हारे पास बुजुर्गों का अदब है, न हमारे पास कुछ नहीं है, न हम ख्वाबे गफलत में पड़े हैं, नमाज भी जिंदगी में नहीं है, रोजा भी जिंदगी में नहीं है, हज व ज़कात भी जिंदगी में नहीं है, माँ बाप की मोहब्बत भी जिंदगी में नहीं है, फिर हमारी जिंदगी में कामयाबी कहाँ से आएगी? हमारी जिंदगी में कामयाबी कहाँ से आएगी? कभी आपने सोचा आखिर सरकारे गौसे आजम की माँ कौन थी? सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद कौन थे जिन्होंने अपने बेटे को इतना बड़ा संस्कार दिया, इतना अच्छा किरदार दिया, इतने अच्छे माहौल में अपनी औलाद की तरबियत की? आप कभी इसका तसव्वुर कर सकते हैं उस माँ के बारे में? आज पूरी दुनिया की औरतें टीवी पे बैठकर इस्लाम पे हमला कर रही हैं, कहती है इस्लाम बड़ा जालिम मजहब है, इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया है। क्यों साहब? कहा इस्लाम ने औरतों को नौकरानी और बांदी बना दिया है। कहा कैसे नौकरानी? काहे का नौकरानी? कहा नौकरानी इसलिए बना दिया कि इस्लाम कहता है बेटी है तो बाप की खिदमत करे, बाप की हुक्मरानी में रहे। हम आजाद हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा हुस्न हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिए, माँ बाप इंटरफेयर क्यों करेंगे? आहा, तुझे इसमें गुलामी नजर आती है? महिलाएं कहती हैं शादी के बाद शौहर के घर गई तो शौहर की गुलामी, बच्चे पैदा हुए तो उनकी खिदमत। इस्लाम ने तो हमें नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैं कहता हूँ कहने वालों, टीवी पे बैठकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हो, मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम नौकरानी बनाता है? इस्लाम नौकरानी नहीं बनाता, नौकरानी तो तुमने बना दिया है। जो तुमने ऐलान किया टीवी के माध्यम से, महिलाओं कब तक घर में पड़ी रहोगी? निकलो। टीवी ने कदम रखा, कहा घर से निकलो, ये घर की चार दीवारी में कैद हो, बाहर निकलो, हम तुझे मर्दों के मुकाबले में ला देंगे। नतीजा क्या निकला? टीवी पे ऐलान हुआ, पढ़ लिख करके बाहर निकलो, नौकरी के नाम पर हम तुझे एजुकेशन के नाम पर हम तुझे रिजर्वेशन के नाम पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? इन दुनियादारों ने इन औरतों को घर से निकाला, किसी को एयर होस्टेज बनाया, किसी को काल गर्ल्स बनाया, किसी को मॉडल गर्ल्स बनाया, लेकिन आपने कभी सीने पे हाथ रख करके बताना, अगर आप प्लेन में चढ़े हो आपने देखा होगा प्लेन में एयर होस्टेज जो लड़कियां होती हैं, चार लड़कियां 250 यात्रियों को पानी भी पिलाती है, खाना भी खिलाती है, चाय भी पिलाती है, जब बटन दबा दे तब हाजिर होकर पूछती है इसकी जिम्मी सर क्या चाहिए,
से साहबों 250 अजनबी यात्रियों की खिदमत करना अगर इस मुल्क में गुलामी नहीं है तो शौहर की खिदमत करना गुलामी कैसे है, बच्चों की खिदमत करना गुलामी कैसे है। नहीं साहबों, आज उन लोगों ने औरतों के हुस्न का मजाक उड़ाया, औरतों के हुस्न का नाजायज फायदा उठाकर साहब उनकी इज्जतों को तार तार किया। कभी एयर होस्टेज बनाकर, कभी काल गर्ल्स बनाकर, कभी मॉडल गर्ल्स बनाकर, मगर इस्लाम ने कहा मेरे दामन में आ, अगर बेटी है तो नबी ने उसे बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो इस्लाम ने उसे मोहब्बत बना दिया है, बीवी है तो इस्लाम ने उसे प्यार बना दिया है, और माँ है तो इस्लाम ने उसकी कदमों में जन्नत बिछा दिया। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा तन्हा जिस मजहब ने दिया उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। अब ये सारी औरतें मिलकर इस्लाम को चैलेंज कर रही हैं। बुरा न मानिएगा मेरी बात का, आइए मैं कुछ गुफ्तगू इस अंदाज से भी करना चाहता हूँ। मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि अल्लामा निसार आजमी साहब की मैं मुखालिफत करूँ तो जो हलाल है माशाल्लाह उसे हराम कह दूँ। मतलब लोग यही समझ रहे हैं, जैसे आज इस्लाम की मुखालिफत में भारत में थराथर कानून बदले जा रहे हैं। इस्लाम ने कहा निकाह कंपलसरी है, बगैर निकाह के कोई मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकता। इन्होंने कानून में संशोधन कर दिया, कहा नाना निकाह की जरूरत नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप में भी नौजवान चले जाए तो इसे भी कानूनन मान लिया जाएगा, उसे जुर्म नहीं समझा जाएगा। नतीजा क्या निकला, आज किसी का मर्डर हो रहा है, किसी की इज्जतें लूटी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कानून इस्लाम की मुखालफत में बनाया। इस्लाम ने कहा शादी के बाद कोई औरत कभी जिंदगी में दूसरे मर्द को नहीं ला सकती, कोई मर्द अपनी जिंदगी में किसी औरत को नहीं ला सकता। इन्होंने मुखालफत में कहा नहीं साहब, कानून 470 को हटा दिया और कहा ऐसी बात नहीं है, अगर औरत अपनी मर्जी से चाहे तो जहाँ रह सकती है, मर्द अपनी मर्जी से चाहे जहाँ रह सकता है। मैं कहना चाहता हूँ मुखालफत कीजिए, मगर मुखालफत में अपनी बेटियों की इज्जत को न लुटाइए, मुखालफत में अपनी बीवियों को इज्जत लूटने वाला और बेचने वाला न बनाइए, मुखालफत में आकर अपने बेटों को किसी की इज्जत लूटने वाला न बनाइए। ये इस्लाम है जो इज्जत लूटने और लुटाने का पैगाम नहीं देता। इस्लाम तो इज्जत बचाने का पैगाम देता है, इस्लाम तो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने का पैगाम देता है। आइए इसलिए मैं बताना चाहूंगा, आप हमारी मुखालफत कीजिए, मगर मुखालफत का मतलब ये नहीं कि भारत की बेटियों को आप आवारा बना दीजिए और भारत की औरतों को आप आवारा गर्दी के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। आप मेरी मुखालफत कीजिए हक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मुखालफत का मतलब ये नहीं है आप हमें आतंकवादी कहिए, आप हमें अपराधी कहिए। साहिबों नहीं नहीं, याद रखिएगा जुर्म से किसी का वास्ता नहीं है। इस्लाम ने जुर्म से रोका है, आतंकवाद से रोका है, अपराध से रोका है। इस्लाम भलाई और शांति वाले मजहब का नाम है। इस्लाम ने सबसे पहले जमाने को पैगाम दिया जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। पूरी दुनिया में पड़ोसियों का हक किसने बताया, इस्लाम ने बताया, कहा पड़ोसी हिंदू भी है तो उसका तेरे ऊपर हक है, पड़ोसी क्रिश्चियन भी है उसका तेरे ऊपर हक है। जिस इस्लाम ने कहा हो खाने से पहले पड़ोसी के खाने का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसी के पीने का ख्याल रखना, बताओ इस्लाम पड़ोसी की इज्जत लेने का कब हुक्म दे सकता है, पड़ोसी की बेटी को बेआबरू करने का कब दस्त दे सकता है। पूछिए इन उलमाए कराम से पड़ोसियों का क्या हक है। मैं तो कहता हूँ आज मुसलमानों जरूरत है, अगर आपका कोई पड़ोसी हिंदू होना तो उसे हिंदी में इस्लामी अखलाक को आदाब किताब तोहफे में दीजिए और बताइए कि इसे पढ़िए पड़ोसियों का हक, जिसे हुजूर सदरु शरिया ने बड़ी तफसील से लिखा है, इसे पढ़िए। मालूम है ना साहब, हुजूर सदरु शरिया ने लिखा कि जब आका करीम मेराज की शब गए जन्नत में टहल रहे हैं, क्या सुना जन्नत में एक सहाबी रसूल के तिलावत करने की आवाज आ रही। आका ने पूछा जिब्रील ये किसकी आवाज है, कहा आका जी आपके चहीते सहाबी हारिसा बिन नुमान की आवाज है। आका मुस्कुराए कहा हारिसा अपनी माँ की बहुत खिदमत करता,
तो अगर माँ की खिदमत से बेटे की तिलावत की आवाज जन्नत में पहुंच सकती है तो बेटा माँ बाप का वफादार हो जाए तो जन्नत में क्यों नहीं पहुंच सकता, क्यों नहीं पहुंच सकता, बहुत सकता है। मैं ये बताना चाह रहा था, औलादे गलत है, इसमें सिर्फ औलादे ही जिम्मेदार नहीं है, हम माँ है, अगर माँ है तो उसे भी एहसास करना होगा, अगर बाप है तो उसे भी एहसास करना होगा। आज हमने जिंदगी से रिस्के हलाल को मिटा दिया है, हम रिस्के हराम की तरफ माइल हो गए हैं। आपका इलाका जहेज से पाक हो सकता है, लेकिन आज पूरा मुल्क जहेज की आग से झुलस रहा है, जहेज की लानत में लानत से झुलस रहा है। लोग हराम की दौलत, हराम की कमाई और हराम की दौलत खाने के लिए उतारू है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में फिर से बुजुर्गों की सीरत को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। ये कौन है सरकारे गौसे आजम की वालिदा? आज सारी दुनिया की औरतें जो इस्लाम पर हमलावर है, उन औरतों से सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं हो, कल्पना चावला की बात करती हो, प्रियम की बात करती हो, तुम सारी दुनिया की औरतें मदर टेरेसा की बात करती हो, इस्लाम पे हमलावर हो, तो इस मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, सारी दुनिया की औरतें मिलकर एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो दुनिया में बाद में आए पेट में ही कम से कम 1 से 100 तक गिनना सीख जाए। डॉक्टर बनना दूर की बात, इंजीनियर बनना दूर की बात, तो आज की महिलाएं कहेंगी मौलवी साहब ये भी कोई बात हुई कि हम पेट से पढ़े हुए बच्चे को जन्म दे दे। बच्चा तो 9 माह पेट में खूने जिगर पीता है, 2 साल दूध पीता है, 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होता है, फिर स्कूल में कदम रखता है, 22 साल की उम्र में वो इंटर करता है, बीए करता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, ये पेट में कैसे बन जाएगा? ना उस सकता है, ना पूछ सकता है, ना पूछ सकता है। मैंने कहा यही तुम्हारी भूल है। आमिना के लाल ने फरमाया, उत्लुकुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अल्लाह के नबी ने ये दावा किया, सारी दुनिया की औरतों को दलील बनकर सरकार बड़े पीर दस्तगीर की वालिदा ने दिखा दिया। सैयदा खातून ने जन्नत की खादिमा हजरत फातिमा उम्मुल ने सरकार बड़े पीर दस्तगीर को जन्म बाद में दिया है और 15 से 18 पारा का हाफिज़े कुरान पहले बना दिया। साहब ऐसी माँ कहाँ से लाओगे, ऐसी माँ कहाँ से लाओगे जो पेट में ही बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाए। जाहिर सी बात है आज हमारी माओं की पाकीज़गी में भी कमी है, आज हमारा बाप रिस्के हलाल का ख्याल नहीं रखता, आज हमारी माएं अच्छे किरदार का ख्याल नहीं रखती, आज हमारी नई नस्ल के नौजवानों की जिंदगी की शुरुआत क्या है? साहब इनकी जिंदगी की शुरुआत शादी ब्याह में नाच गाने बाजे से है। जाहिर सी बात है नाच गाने बाजे से जब जिंदगी की शुरुआत होगी, नाचते हुए लोग जाएंगे आएंगे तो समाज को उनकी गोद से नचनिया और बचनिया ही जन्म लेंगे। लेकिन साहब जब माँ भी पाकीज़ा होगी, बाप भी पाकीज़ा होगा, फिर जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको मैं वाकया सुनाऊं, मगर बताने का मकसद ये है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद ने एक ही सेब तो खाया था, एक ही सेब की तो बात थी, लेकिन खाने के बाद एहसास जिंदा था। आज तो हम हराम भी खा ले हमारा एहसास मर चुका है, हमें इस बात का एहसास नहीं हमने हलाल खाया या हराम खाया, मगर एक ही सेब खाया, कहा ये सेब मेरा नहीं था मैंने खा लिया, पता लगाओ इसकी माफी कराओ, नहीं तो कल परोसे महशर में फंस जाऊंगा। साहब बागीचे में पहुंच गए, अब्दुल्ला सौमई से कहा, हुजूर मैंने एक सेब खा लिया है, चाहे तो माफ कर दे चाहे तो बदला ले ले। अल्लाह के वली ने जान लिया, कहा सेब खाने वाले तो बहुत थे मगर माफ कराने वाला पहली बार आया है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। अल्लाह अल्लाह कहा माफ कर दूंगा मगर सजा थोड़ी सख्त है। कहा क्या? कहा सजा ये है कि 12 साल बागीचे में खिदमत करो। अल्लाह अल्लाह एक सेब की सजा 12 साल, आज का कोई नौजवान होता तो इस सजा को काटने के
के लिए तैयार नहीं होता। कहता मौलाना छोड़ दीजिए, जो होगा हम उसे देख लेंगे, मगर सरकार गौसे आजम के वालिद है, 12 साल बागीचे की खिदमत करने के लिए तैयार हो गए। कहा हुजूर 12 साल खिदमत करूंगा, मगर माफ तो कर दीजिएगा। कहा हाँ शहजादे माफ कर दूंगा। कहा ठीक है। 12 साल के बाद अब्दुल्ला सोमई बागीचे में पहुंचे। कहा शहजादे जरा फल तोड़ करके लाओ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद हजरत अबू सालेह टोकरी में फल तोड़ कर लाते हैं। अब्दुल्ला सोमई सरकार गौसे आजम के नाना कभी फल को देखते और कभी हजरत अबू सालेह को देखते। कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो और इतना भी पता नहीं है, इतना भी तुझे पता नहीं है कि कच्चा फल कैसा होता है और पक्का फल कैसा होता है। इतना भी तुझे शऊर नहीं है, इतना सुनना था। कहा हुजूर कसम ले लीजिए, 12 साल मैंने बागीचे की खिदमत की है, मगर कभी सेब की तरफ इन निगाहों से नहीं देखा है। एक सेब की सजा तो अब तक पा रहा हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसा नौजवान जो बागीचे में खिदमत करे और 12 साल सेब को न देखे। ऐसा होता है कुतुब खाना में रहे किताबों को न देखे, साहब ज्वेलरी की दुकान में रहे सोना चांदी को न देखे। जाहिर सी बात है चाय की होटल में रहे और चाय को न देखे। ये तो अजूबा नौजवान है जो बागीचे में है मगर फल को नहीं देखता। दरख्त में पानी देता है मगर उस दरख्त के फल को नहीं देखता। दरख्त की आबियारी करता है, सींचता है दरख्त को, मगर दरख्त के फल पे नजर नहीं डालता। हाँ हाँ, वही अजूबा और पाकीज़ा नफ्स वाला इंसान सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद है। अल्लाह अल्लाह, जब अब्दुल्ला सोमई ने सुना समझ गए ऐसा नौजवान तो बड़ी मुश्किल से मिला है, अगर इसे छोड़ दिया तो फिर हाथ आने वाला नहीं है। कहा नौजवान अगर 12 साल में तुम फल को नहीं पहचान सके तो एक सजा और बढ़ गई। कहा कौन सी सजा? कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, उससे रिश्ता करा। मगर इससे भी अजूबा तो ये है, इससे भी ताज्जुब की बात तो ये है, जब आका करीम ने कहा ऐ अली आपके पास फातिमा को महर देने के लिए कुछ है, तो सरकार मौलाए कायनात ने कहा आका जी कुछ नहीं, मेरे पास एक जीरा है जिसका मैं मैदान जंग में इस्तेमाल करता हूँ। आका करीम ने कहा अली जाओ उसे बेचकर फातिमा के लिए महर का इंतजाम करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस अली के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिस अली के पास सोने के लिए खूबसूरत बिस्तर नहीं है, जिस अली के पास रहने के लिए कमरा नहीं है, कौनैन के ताजेदार उस अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। बुरा न मानना, आज का कोई बाप होता तो ऐसा करता, लेकिन आका करीम फरमा रहे हैं मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ बल्कि मैं उस पे अमल करके दिखाता हूँ। ऐ दुनिया वालों देखो देखो ये कौन है मुस्तफा जाने रहमत जमाने को दर से वफा दे रहे हैं। फास फरो पे जाती दीन, जब निकाह करना बेटे और बेटियों का तो दौलत न देखना, सुनो जमाल न देखना, खूबसूरती न देखना, सबसे पहले दीनदारी देखना। ऐ इस्लाम के शहजादो, जब उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है उससे तुम निकाह कर लो, लेकिन लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, अंधी है, तुम उससे निकाह कर लो, उन्होंने कहा हुजूर सब है मगर दीनदार तो है। कहा हाँ शहजादे, मेरी साहबजादी है इसलिए दीनदार तो होगी ही होगी, आप फिक्र न करो। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल्ला सोमई ने हजरत अबू सालेह का निकाह अपनी दुख्तरे नेक अख्तर सैयदा फातिमा उम्मुल खैर से पढ़ा दिया। रात की तन्हाई है, जब मुलाकात की घड़ी आई अब्दुल्ला सोमई दरवाजे पर खड़े हो गए। अबू सालेह कमरे में दाखिल हुए, देखा हुस्नो जमाल की पैकर रानी महारानी की शक्ल में बैठी है, चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं, नजर पड़ी पलट गए, जो ही पलटे अब्दुल्ला सोमई ने रोक लिया। नौजवान कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर आपने जिसे निकाह पढ़ाया था वो लड़की कमरे के अंदर नहीं है, ये तो आंख वाली है, ये तो हाथ वाली है, न लूही है, न लंगड़ी है, न बहरी है। अब्दुल्ला सोमई मुस्कुराए, कहा नौजवान मैं जानता था तू बड़ा सीधा साधा है, तू बड़ा भोला भाला है, तू ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैं खड़ा हो गया। नौजवान सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं
ने कहा था कि मेरी बेटी की आंखों से दिखता नहीं है। मैंने अपनी बेटी को अंधी तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने बचपन से लेकर जवानी तक कभी किसी गैर पर मेरी बेटी ने निगाहें नहीं डाली है, कभी किसी गैर के चेहरे को नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुनना था अबू साले की निगाहें नीची हो गई। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बताना मकसद यह है, जब बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल पाकीज़े में रहे और कभी फल की तरफ न देखे, और माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर के चेहरे को न देखे, जब ऐसे पाकीज़ा दूल्हा दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो अल्लाह उनकी गोद में शेख अब्दुल कादिर महियुद्दीन गुलाम महियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता करता है, शहजादा अता करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हर बाप चाहता है मेरा बेटा नेक हो जाए, हर माँ चाहती है मेरा बेटा नेक हो जाए, मगर ये कैसे होगा? हम शराब भी पिए बेटा नेक हो जाए, हम जुआ भी खेले बेटा नेक हो जाए, हम जना भी करें औलादे नेक हो जाए, हम झूठ भी बोले औलादे नेक हो जाए, हम गलत काम भी करें हमारी औलादे अच्छी हो जाए, हम चाहते हैं हमारी औलादे अच्छी हो जाए, तो बाप को अबू साले बनना होगा, माँ को फातिमा उम्मुल खैर बनना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मिलाद नबी, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन साहेबों, आज हमारी निगाहों में पाकीज़गी नहीं है। हर बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा नेक हो जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मगर आज हमारी माँ अच्छा बनने के लिए माँ बेहतरीन बनने के लिए तैयार नहीं है, बाप खुद बेहतर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, कहीं जाओ ना तो इस पैगाम को जरूर पहुँचाना। आप चाहते हैं आपकी औलादे नेक हो, आप चाहते हैं आपकी नस्ल अच्छी हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वफादार हो। कसम खुदा की, मेरी कौम के शहजादों, अपने बेटे और बेटियों को नेक बनाना है ना, खुद भी नेक बनो और अपने घर की औरतों को भी नेक बनाओ। इंशाल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा, इंशाल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगी। लेकिन अगर हम खुद नेक न बने, हमारी घर की औरतें नेक न बनी, तो उस चमन में खिलने वाले गुलाब कैसे नेक बनेंगे? जरा इसे सोचना होगा। हमें अपने माहौल को बदलना होगा, हमें अपने माहौल में परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें अपने माहौल में बदलाव और चेंजिंग लाने की जरूरत है। साहेबों, संडे का दिन आता है ना, आज कितने नौजवान हैं जो बर्थडे पार्टियां मनाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बर्थडे पार्टियां मनाने वालों, शौक से मनाओ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? आज बर्थडे पार्टियां मनाने वाला नौजवान बहुत खुश होता है, माँ से कहता है, माँ इस घर को सजाना है, आज मेरी बर्थडे पार्टी है, आज हमें केक भी लाना है, फातिहा भी कराना है, दोस्तों की भी दावत की है, खुशी का चराग जलाना है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के नौजवानों, बर्थडे मनाते हो और दोस्तों को खाना खिलाते हो, लेकिन उस माँ को भूल जाते हो जिस माँ ने कितने दुख सह के तुझे जन्म दिया, बाप को भूल जाते हो जिस बाप ने तेरी परवरिश की है। ईमानदारी से बताना, तुम कैसे भूल जाते हो? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब तेरा जन्म दिन आए ना, जब तेरे जन्म दिन की का दिन आए, तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाना, अपने वालिद के पास जाना, ये मेरे बूढ़े बाप, ये मेरी अम्मी जान, आप न होती तो मेरी परवरिश कौन करता, आप न होती तो मुझे तालीम तरबियत से कौन नवाजता, ये मेरी माँ, मेरी मुकद्दस माँ, जरा सुन, आज मैं चाहता हूँ मेरा जन्मदिन है, आज मेरी माँ तू जो बोलेगी वही खाना बनेगा, तू जो बोलेगी वही घर में काम होगा, ए माँ बोल तुझे क्या चाहिए, आज तेरा बेटा अपनी तेरी अपनी पैदाइश की खुशी में माँ तुझे खुश करना चाहता है। लेकिन माँ को क्या चाहिए? एक बेटा अपनी माँ से बार बार कहता, अम्मी जान, मेरे जन्मदिन के मौके से सारे दोस्त गिफ्ट लेकर आते हैं,
रिश्तेदार गिफ्ट लेकर आते हैं, तोहफे लेकर आते हैं माँ, मगर तू कभी तोहफा नहीं देती, बता क्या वजह है। माँ ने कहा बेटा एक दिन आएगा, एक दिन आएगा तेरी माँ तुझे तोहफा देगी, ऐसा तोहफा कि उसे तूने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, उसे जिंदगी में तूने कभी सोचा नहीं होगा। कहा अम्मी जान मुझे उस दिन का इंतजार है। साहब शहजादा 14 साल की उम्र को पहुंचता है, एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, अस्पताल में पहुंचता है। जब पैदा हुआ था तभी माँ को पता चल गया था मेरे बेटे के दिल में सुराख है। डॉक्टर से उसने राबता किया, कहा अगर मेरे पास दिल है, मेरा दिल मेरे बेटे को लग जाए तो कैसा रहेगा। कहा जब तेरा बेटा भी एडल्ट होगा, बड़ा होगा, तब जाकर तेरा दिल उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अल्लाह अल्लाह वो दिन आता है, माँ अपने बेटे को बिस्तरे मर्ग पर देखना गवारा न कर सकी, और माँ ने कहा डॉक्टर मुझे अपनी जिंदगी को हारना मंजूर है, मगर मेरे बेटे को मेरा दिल लगा दे ताकि मेरा बेटा बाकी मेरी जिंदगी जिए। यही वजह है इस्लाम आत्महत्या की इजाजत नहीं देता, इस्लाम आपको खुदकुशी करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम हालात से लड़ने की इजाजत देता है। अल्लाह ये माँ का कलेजा है, ये माँ का दिल है, जिस बीवी की मोहब्बत में तूने माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, ईमानदारी से बताना दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तू उससे आगे बढ़ जाए, तेरा दोस्त हमेशा चाहता है तू उसके पीछे रहे, तेरा भाई नहीं चाहता तू उससे आगे बढ़े, तेरा पड़ोसी नहीं चाहता तू उससे आगे बढ़े, तेरा रिश्तेदार नहीं चाहता तू उससे आगे बढ़े, मगर दुनिया में सिर्फ ये माँ और बाप ही है जो चाहते है मैं रिक्शा चलाऊं मगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं चपरासी रहूं मेरा बेटा मास्टर बन जाए, मैं मदरसे का छोटा मोटा मौलवी साहब रहूं मेरा बेटा मुफ्ती आजम बन जाए। साहब ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, हम पीछे रहे मगर मेरा बेटा काफी आगे निकल जाए। उस माँ ने यही फैसला लिया, खत में लिखा बेटा तेरी माँ ने तुझसे वादा किया था, मैं ऐसा तोहफा दूंगी पूरी जिंदगी तू से याद रखेगा, ले आज मैंने तुझे तोहफा दे दिया। बेटे की जब तबीयत ठीक हुई घर आता है, माँ दुनिया से गुजर चुकी है, माँ की याद में बैठा है, कहा माँ ने कहा था अलमीरा खोल के देख लेना तेरी माँ तुझे तोहफा दी होगी। जरा अलमीरा खोलता है, माँ का खत मिलता है, ए बेटे तुझे तेरी जिंदगी मुबारक हो, ए मेरे लाल तुझे तेरी जीवनी मुबारक हो, ए बेटा तू मुझसे हमेशा तोहफा मांगता था ना, मैं बचपन में ही जानती थी कि मेरा बेटा बचपन से ही दिल का मरीज है, उसके दिल में सुराख है, इसका दिल चलने वाला नहीं है, एक दिन तुझे दूसरे दिल की जरूरत पड़ेगी। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया दुनिया जो भी तोहफा दे मैं अपने बेटे को अपना दिल तोहफे में देने के लिए तैयार हूँ। ए बेटा अगर मैं दिल न देती तो तू जिंदा नहीं रहता, तेरी माँ को गवारा न हुआ कि बेटा मर जाए और माँ जिंदा रहे, इसलिए मैंने मौत को गले से लगाया ताकि मेरा बेटा दुनिया भी जिंदगी को भी देख सके, दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी को भी गुजार सके। जब बेटे ने सुना आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए, कहा माँ मैंने मान लिया, सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और तन्हा मेरी माँ की मोहब्बत एक तरफ, मेरे बाप का प्यार एक तरफ, आप कभी इसे बांट नहीं सकते। मगर आज की औलादे क्या कहती है, मौलाना साहब आप अजीब आदमी है, मेरे बाप ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, मेरे बाप ने मुझे जमीन नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तेरा बाप जमीन नहीं देगा तो उसे घर से निकाल दोगे, क्या तेरी माँ तेरी बीवी को जेवर नहीं दोगी नहीं देगी तो क्या तुम अपनी माँ को गालियाँ दोगे, क्या तेरा बाप अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी एक भाई को दे दे तो क्या तुम कहोगे कि जिसकी जिसे प्रॉपर्टी दी है मेरा बाप उसी के पास रहे, जिसने जो जिसे इसने अपनी कमाई दी है वही इसे खिलाए। बताओ मेरी कौम के नौजवानों क्या ऐसा ही होना चाहिए, याद रखिएगा एक है एहसान और एक है बदला। आज जो नौजवान ये भावनाएं लिए घूम रहे हैं, दिल में ये बातें लिए घूम रहे हैं, मौलाना मेरा बाप मुझे सर्विस देता तो हम उसे खिला खिलाते, मेरा बाप मुझे जमीन देता तो हम उसकी खिदमत करते, मेरी माँ मेरी बीवी को जेवर देती तो मैं भी उसकी खिदमत करता, सुल्तान रजा कहना चाहेगा। याद रखना कभी उठाकर बुजुर्गों की किताबों का मुताला करो, एक है एहसान और एक है बदला। अगर किसी ने तुझे खिलाया तुमने भी
खिलाया ये बदला है, किसी ने तुझे पिलाया तुमने भी पिलाया ये बदला है, किसी ने तुझे कपड़ा पहनाया तुमने भी पहना दिया ये बदला है। मगर बात जब माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा बिल वाले दई ने इहसाना, माँ बाप के साथ बदले वाला सलूक न करना बल्कि माँ बाप के साथ एहसान करना। या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? हुजूर सदरु शरिया ने लिखा सामने वाला तेरे ऊपर जुल्म करे तुम उसके साथ प्यार करो ये एहसान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए लोगों, बात जब माँ बाप की आई तो अल्लाह ने फरमाया माँ के साथ बदले वाली बात न करना कि बाप खिलाए तो तू खिलाएगा, बाप जमीन दे तो तू खेती करके खिलाएगा, बाप तुझे घर बना कर दे तो उसमें बाप की खिदमत करेगा, तेरा बाप सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे तो तू माँ बाप से प्यार करेगा। बल्कि अल्लाह फरमाता है तेरा बाप जो है वो एहसान के लिए है, तुम माँ के साथ एहसान करना, बाप के साथ एहसान करना, और एहसान यही है तेरा बाप तुझे जमीन दे न दे, तेरी माँ तेरी बीवी को जेवर दे न दे, तेरा बाप तुझे जायदाद दे न दे, तेरा बाप तुझे अपनी कमाई दे न दे, लेकिन तू घर बनाना तो माँ के लिए एक कमरा जरूर बनाना, बाप के रहने के लिए जगह जरूर देना, जब कमाना दस्तरखान बिछाना तो माँ बाप को दस्तरखान का साथी जरूर बनाना। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखना कि जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाए। आज जाहिर सी बात है हमने कुरान को रखा घरों में सजा करके रखा है, हम कभी जिंदगी में अपने बच्चों को कुरान की तालीमात नहीं देते। मैं तो कहता हूँ नहीं साहेबों, बचपन में ही अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, इस बात की तालीम दीजिए जब संडे का दिन आए ना अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया माँ बाप दुनिया में जिंदा हो तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो, दुनिया से चले जाए तो उनकी कब्रों पर हाजिरी दो, नहीं तो कम से कम हफ्ते में जुमा के दिन जरूर हाजिर हो जाया करो। यही वजह है आज हमारी गुनाह की गुनाह से जब हम तौबा करते हैं तो तौबा की मकबूलियत नहीं हो पाती। एक साहब की रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ मगर तौबा की मकबूलियत कैसे हो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी माँ जिंदा हो तो तौबा करने के बाद उसकी खिदमत करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह माँ जिंदा नहीं है, कहा माँ जिंदा नहीं तो खाला जिंदा है, कहा हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तौबा की कबूलियत के लिए जब माँ की खिदमत की जरूरत है तो नमाज की मकबूलियत के लिए माँ की खिदमत की जरूरत क्यों नहीं है? ऐ इस्लाम के शहजादों, सारी दुनिया से दुआएं कराते हो, कभी बूढ़ी माँ से भी दुआएं करा लो, कभी बूढ़े बाप से भी दुआएं करा लो, जब संडे का दिन आए ना अपने बच्चों को करीब करना, माँ बाप की खिदमत में लग जाना, बाप को हाथ से गुस्ल कराना, कपड़ा पहनाना, माँ के कपड़े धुलना, माँ की खिदमत करना और पूछना अब्बा हुजूर दूर बोलिए आज आप क्या खाएंगे, आज संडे का दिन है मेरी छुट्टी का दिन है, मैं चाहता हूँ आज मदर्स डे की बात नहीं, लोग एक दिन मदर्स डे मनाते हैं एक दिन फादर्स डे मनाते हैं, मगर इस्लाम ने क्या प्यारा फार्मूला दिया, कहा एक दिन मदर्स डे की बात करने वाले एक दिन फादर्स डे की बात करने वाले। नबी ने फरमाया सुनो वो नमाज पढ़ने जाने वाले नमाज पढ़ना लेकिन जब घर से निकलना ना या घर में जाना तो एक बार माँ बाप को मोहब्बत से देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इस्लाम ने तो तेरे हर दिन को मदर्स डे बना दिया है, हर दिन को फादर्स डे बना दिया है। दुनिया में माँ बाप ही तो है जिनके चेहरे को देखने के बाद इंसान को सवाब भी मिलता है, अल्लाह अल्लाह दिल को सुकून भी मिलता है। अपनी माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, उनके मन पसंद का खाना, उनके मन पसंद का कपड़ा पहनाना, अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमत करना, ये तेरे छोटे छोटे बच्चे तुझसे पूछेंगे माँ की बहुत खिदमत करते हैं अब्बा की बड़ी खिदमत करते हैं क्यों? कहना बेटा नहीं मालूम माँ मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरी माँ है मेरी जन्नत इनके कदम के नीचे है, ये मेरे बाप है ये मेरी जन्नत के दरवाजे है। छोटे बच्चे होते हैं
है। पूछेंगे अब्बा हुजूर, अगर आप जन्नत दादी के कदम के नीचे है तो मेरी जन्नत किसके कदम के नीचे है? तब बताना बेटा, तुम्हारी दादी मेरी माँ है, इसलिए मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे है और तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। बेटा तुम्हारे दादा मेरे बाबा है, इसलिए मेरी जन्नत के दरवाजे ये है और मैं तेरा बाबा हूँ तो तेरी जन्नत का दरवाजा मैं हूँ। कसम खुदा की तेरे बच्चे बचपन में समझ जाएंगे मेरा बाप भी अपने माँ बाप की खिदमत करता था, इंशाल्लाह मैं भी अपने माँ और बाप की खिदमत करूँ। फिर साहब, माँ बाप से मोहब्बत लेकर दुआएं लेकर मस्जिदों को भी जाइए, खानकाहों को भी जाइए, दरसगाहों में भी जाइए, इन बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, इनका अदब कीजिए, इनके कदमों को दबाइए। कभी कभी ऐसा होता है इंसान पढ़ लिख कर गुरूर और तकब्बुर में मुबतला होकर बर्बाद हो जाता है, और कभी कभी कमजोर तालिब इल्म अपने उस्ताद की दुआओं से बहुत कामयाब हो जाता है। इसलिए साहिबों, असातिज़ा की शफ़क़त को कभी न भूलना, इनका अदब और एहतराम बजा लाना। मैं आपसे आखिरी बात बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना कभी तालीम के बीच में भूख को मत आने देना, प्यास को मत आने देना, गुरबती को मत आने देना। जब गुरबती आए ना तो गौसे आजम की जीवनी पढ़ लेना, जब गुरबती आए ना सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ लेना। हजरत से मिलिए, आप इनसे मिलेंगे पता चलेगा सऊदी अरबिया में इन्होंने कितनी खिदमत की, बहैसियत आलिम अल्लाह ने इन्हें कितनी इज्जतों से नवाजा। आप अच्छा आलिम बनकर तो देखिए, देखिए समाज में क्या इज्जत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा साहिबों, गुरबती को कभी तालीम की राह में आड़े न आने देना। साहब हम जिस बड़े पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं, वो तो भूखे प्यासे रहकर इतने बड़े इल्मदा बने कि सारी दुनिया सैटेलाइट से दुनिया को देखती है और हमारे गौस पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे इंसान सरसों के दाने को अपनी हथेली पर देखता है। इतना बड़ा इल्म किसकी दुआओं से 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए चले। माँ से इजाजत ली का अम्मी जान, दुआ कर दीजिए आपका बेटा वक्त का आलिम बन जाए। माँ की दुआएं ऐसी मिली कि गौस नहीं गौसे आजम बन गए। साहब सारे लोग एक मसलक पर फतवा देते हैं, सरकार गौसे आजम चारों इमाम के मसलक पर फतवा देते थे। इतने बड़े आलिम तकी परहेजगार के मेरे इमाम ने लिखा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इसलिए गौर से सुनना, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वली का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज इल्म तफसीर हासिल करने के लिए बहुत बड़े वली और बहुत बड़े उस्ताद की बारगाह में पहुंचे। उनके उस्ताद ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन आ तो गए हो मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे इल्म तफसीर पढ़ाऊं। और से सुनिएगा, आज तो एक ही मदरसे में इल्मे तफसीर भी है, इल्मे हदीस भी है, इल्मे फिकह भी है, मगर पहले हर इल्म के उस्ताद अलग अलग और लोग अलग अलग जाकर पढ़ते थे। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, हुजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ, कोई वक्त तो निकाल दे। तो वली वली को पहचानता है ना। कहा, बेटा एक वक्त मेरे पास है। कहा, क्या? कहा, नमाज़े तहज्जुद के बाद मैं तुझे इल्मे तफसीर पढ़ा सकता हूँ। सुनिएगा गौर से, आज का कोई शागिर्द होता तो पूछिए इन उलमाए किराम से पढ़ने को तैयार होता? अरे बोलिए, स्ट्राइक कर देता, टाइम से नहीं आते। और ये सरकार गरीब नवाज है। कहा, हुजूर नमाज़े तहज्जुद के बाद मंजूर है, मैं नमाज़े तहज्जुद के बाद भी पढ़ने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। आप शागिर्द हैं ख्वाजा गरीब नवाज, लेकिन उस्ताद के अदब का ये आलम हजरत के उठने से पहले उठ जाते, बावजू होते, उस्ताद के लिए वजू का पानी रखते, उनके लिए मुसल्ला बिछाते, अपने लिए अलग बस बिछाते। एक तरफ उस्ताद वजू करके नमाज़े तहज्जुद पढ़ते और एक तरफ शागिर्द खड़े होकर नमाज़े तहज्जुद पढ़ता। फिर जब दोनों नमाज से फारिग होते तो वो इल्मे तफसीर पढ़ाते जाते, गरीब नमाज पढ़ते जाते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब उस्ताद भी पाकीजा हो, शागिर्द भी पाकीजा हो, तो पढ़ने वाला सिर्फ आलिम नहीं बनता बल्कि सुल्तानुल औलिया बनता है। हिंदुस्तान का ख्वाजा गरीब नमाज बनता है।
जिंदाबाद बनता है। आज हमारे अंदर बहुत तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, बुरा न मानिएगा। हम इंजीनियर हैं, माँ बाप की इज्जत करेंगे। हम बहुत बड़े मौलाना मुफ्ती हैं, माँ बाप की इज्जत करेंगे। हम बहुत बड़े खतीबुल हिंद हैं, माँ बाप की इज्जत करेंगे। हमने बहुत दौलत कमा ली है, इतने बड़े बिजनेस मैन है, माँ बाप की इज्जत करेंगे। अरे तू कितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा, मगर इस दौर में आला हजरत से ज्यादा तो पढ़ा लिखा बोलिए कोई है? आला हजरत से ज्यादा पढ़ा लिखा आपके पास एक इल्म है, और आला हजरत के पास इस वक्त 100 उलूम से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं, तहकीक। क्या आपने कभी सोचा आला हजरत जब दूसरी बार हज बैतुल्लाह के लिए जाना है तो इजाजत लेने के लिए बरेली शरीफ आ गए, इंतजार करने लगे। माँ अम्मी जान सरकार आला हजरत की वालिदा नमाज असर के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रही है। आला हजरत चुपके से गए और अपनी पेशानी को माँ के तदबे से रगड़ना शुरू कर दिया, पेशानी को माँ के कदमों में रख दिया। माँ समझ गई, कहा बेटा अहमद रजा हो, अहमद रजा हो। अम्मी जान हाँ, मदीने जाने की इजाजत चाहता हूँ। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जो आलिम ही नहीं है, मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, इमामुल वक्त भी है। वक्त का इतना बड़ा आलिम, हजरतों के हजरत आला हजरत, जब इतने बड़े आलिम बनने के बाद अपनी पेशानी को माँ के कदमों में लगा देते हैं, तो बता फिर तुझे माँ की कितनी इज्जत करनी चाहिए, तुझे बाप की कितनी ताजीम करनी चाहिए। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, गौस को माँ बाप के अदब ने ही गौस बनाया है, ख्वाजा गरीब नवाज को माँ बाप के अदब ने ही ख्वाजा गरीब नवाज बनाया है। आला हजरत ने माँ का ऐसा अदब किया कि सारी दुनिया इसे देखकर और सुनकर के साहब इस तारीफ करने से कासिर है। जाहिर सी बात है मेरी कौम के नौजवानों, आप भी चाहते हो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो तो नमाज पाबंदी करना, रोजे की पाबंदी करना, शरीयत पे अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, उसके बाद सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करना, आलिम मौलाना मुफ्ती सब बनना मगर माँ बाप की खिदमत करना, शराब जना जुआ बेहयाई और बुराई से दूर रहना, ये सोच करके दूर रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम्हारी माँ माँ है वैसे दूसरे की माँ भी माँ है, जैसे तुम्हारी बहन बहन है दूसरे की बहन भी बहन है। जिस इंसान ने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी कर ली, कुरान ने कहा फकत फाजा फौजन अजीमा, याद रखना तेरे लिए बड़ी कामयाबी है। किसकी? अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी में। इसलिए साहेबों इस्लाम आपको बड़ी आसानी से मिला है ना, तो साहब इसकी कदर कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, कुरान की तालीम को आम कीजिए। कुरान न होता और कुरान की तालीमात न होती तो आज लोग शराब खाने जुआ खाने में नजर आते, हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। आज कुछ लोगों ने तहरीक चला रखी है, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है इसलिए इसे सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। इसलिए कुरान खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। इस्लाम ने कहा शराब हराम है तो कभी शराब के करीब न जाइए, जिंदगी को पाकीजा बनाइए, इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। मौला करीम हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।